इस लेथ मशीन में खास बात क्या है? पांच या तीन ऐसे लो आरपीएम किए हुए हैं, तो तीन आरपीएम की क्यों जरूरत पड़ी इन्हें? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जब रास्ते में जा रहा था तो एक लेथ मशीन लोरी में लोड किया हुआ देखा, उसी के बारे में आज का वीडियो है। देखिए इस लेथ मशीन में खास बात क्या है। खास बात यह है कि इसके आरपीएम बहुत लो किए हुए हैं। लो आरपीएम का मतलब है कि करीबन 30-40 आरपीएम का जो हमारा लोवेस्ट आरपीएम वाला लेथ मशीन आता है, उसकी बजाय इसमें करीबन पांच या तीन ऐसे लो आरपीएम किए हुए हैं। तो तीन आरपीएम की क्यों ज़रूरत पड़ी इन्हें? क्योंकि इन्हें ये मशीन जो हमारा प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन आता है उसका स्क्रू बनाने के लिए ये लोवेस्ट आरपीएम करने पड़ते हैं। क्यों लोवेस्ट आरपीएम करने पड़ते हैं ये भी अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका टॉप स्लाइड देखिए, टॉप स्लाइड देखिए, टॉप स्लाइड के ऊपर आपको ऐसा दिखेगा कि कोई हेड लगाया हुआ है और घूमता हुआ कटर टॉप स्लाइड के ऊपर काट रहा है। ऐसा टॉप स्लाइड इसलिए बनाया हुआ है कि जब कोई स्क्रू बनाया जाता है तो टूल पोस्ट के जगह ये कटर लगा करके बहुत फास्ट थ्रेडिंग करना पड़ता है। जो कैरेज है वो बहुत फास्ट चलता है और जो हेड है वो बहुत लो चलता है। उससे क्या होता है कि एक बड़ा थ्रेड गिरता है और उसी से ये जो हमारा प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन का जो प्रेशर बनता है, जो प्लास्टिक को धक्का देने वाला जो स्क्रू होता है, वो इसी से बनाया जाता है। अगर आप मेरी बात समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे कई वीडियो हमारी चैनल के ऊपर दिखाए जाते हैं।